हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी पावर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के ऐसे प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। यहाँ पर जीके, करंट अफेयर और बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 को कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। और वो 3 मंत्री कौन थे जो 1946 के कैबिनेट मिशन में थे? फर्स्ट है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकंड है एवी अलेक्जेंडर और थर्ड है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के नाम से। फोर्थ क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैजपुर में संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मातृ परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। सिक्स्थ क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? तो स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन बी। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को। चलिए सेवंथ क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप या फिर मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। भारतीयों के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। नाइन्थ क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? आप ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं था पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। टेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। इलेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो हमारे संविधान की उद्देशिका में है उनमें से कौन सा शब्द इनमें से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। थर्टींथ क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था किसने बताई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक बार। एक बार संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है।
15th क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता। 16th क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? वेरी इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान। 19th क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की धारणा ली गई है। आपको पता होगा हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है उसमें जो विषय वर्णित है उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य को और केंद्र सरकार दोनों को दिया गया है। 20 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए के संविधान से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या किस देश के संविधान से ली गई है, ये हमने अभी क्वेश्चन देखा था, तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो कौन से भाग में की गई है तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 4 क में। मैं आप लोगों को बता दूं कि भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार वर्णित है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है और भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इसका राइट आंसर होगा 4th अनुसूची यानी चतुर्थ अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का वर्णन किया गया है। 29th क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है?
तो उसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर एक राज्य है जिसमें छठी अनुसूची है वो लागू नहीं होती है। और आप सभी कमेंट में बताएं कि हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा देता है भाई, कौन सा अनुच्छेद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 317वें अनुच्छेद के द्वारा है लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय, ये विलय यानी उनको इकट्ठा करने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसलिए इनको भारत के लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और एक दो साल पहले इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जो है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। संसद को अधिकार देता है कि वो राज्य सूची के में भी कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों की सुनवाई है वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। आपको भी पता होगा, यदि आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है वो मूल अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा में किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार है, विविध अधिकार है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा वैधिक अधिकार। पता होगा आपको कि भारतीय संविधान में पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में उसमें संशोधन करके इसको एक विविध यानी कानूनी अधिकार है वो बना दिया गया है। तो
तो आप सभी कमेंट में बताएं कि कौन से अनुच्छेद के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत का अंत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा गोलकनाथ का मामला। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद, संसद के पास वो शक्ति है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ का, मतलब कुछ अधिकारों का हम हनन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन सा अंश है वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में।